तो आज की हमारी क्लास में एडवांस एक्सेल की क्लासेस में हम बात करेंगे आपके साथ फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। देखिए जनरली जब रिपोर्ट बनाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा तो इम्पोर्टेंट वर्क होता है वो फॉर्मेटिंग का होता है। अगर फाइल मेनू बार में जाते हैं तो न्यू पे आते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे रिपोर्ट मिलेंगे। इस रिपोर्ट में आखिर मेन क्या है, जैसे आप मान लीजिए इसी रिपोर्ट को देख लीजिए, चाहे इसी को देख लीजिए, इसमें मेन जो क्या है इसकी फॉर्मेटिंग क्या है। तो फॉर्मली और बाकी चीज लगाने से पहले ये पता लगाना होता है कि उसका फॉर्मेट जो है फॉर्मेटिंग क्या है। तो आज की क्लास में उसी फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में आपके साथ मैं बातचीत करूंगा। तो चलिए हम कुछ फॉर्मेटिंग के कुछ बेसिक टिप्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ टेंथ लिखना है, राइट? तो जनरली अगर वर्ड में इसको टेंथ लिखते हैं तो TH ऊपर चला जाता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, TH को मैनुअल सेलेक्ट करना होगा, फॉर्मेट सेल पे जाके देन इसको सुपर स्क्रिप्ट करना होगा। जब इसको सुपर स्क्रिप्ट करेंगे तो देखिए चला गया। ऐसे आपको मान लीजिए 10 डिग्री करना है तो 10 और स्मॉल ओ कर दीजिए, देन इसको हम सेलेक्ट करते राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहाँ सुपर स्किप, तो ये आपका 0 डिग्री भी ऊपर चला जाएगा। ऐसे मुझे 10 स्क्वायर करना है तो यहाँ आपको 102 आपने लिखा और फिर 2 को सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहाँ सुपर स्किप कर दीजिए, ये आपका 10 स्क्वायर हो गया। लेकिन जैसे एंटर मारेंगे 102 हो जाएगा, क्योंकि सुपर स्किप या सब स्किप जो है वो टेक्स्ट पे वर्क करता है। तो यहाँ 102 आप लिखेंगे सिंगल कोट के साथ, देन इस पे आप सुपर स्किप यूज करेंगे। तो सुपर स्किप ऊपर के लिए होता है और सब स्किप जो होता है वो नीचे के लिए, जैसे H2O। अब 2 को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल पे गया और यहाँ हमने कर दिया सब स्किप। सब स्किप करते हैं नीचे आ गया। अब जैसे कि अब इस पे तो ठीक है, अब ट्रिक्स की बात करते हैं कि फॉर्मेटिंग कंसेप्ट होता क्या है। जैसे मेरे पास कुछ इस तरह के नंबर्स हैं, अब मुझे इनको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए मैं 10 0 और यहाँ पे डिग्री अगर टाइप किया हुआ रहता वो मैंने एप्स हो, तो मैं एक सिंगल सेल सेलेक्ट करके अगर सुपर स्किप करूँगा तो पूरा का पूरा सेल आपका सुपर स्किप। तो क्या होगा कि आपको एक एक करके करेक्टर को सिलेक्ट करके फिर आपको सुपर स्किप करना होगा, तब जाके वो डिग्री के फॉर्मेट में आपको दिखेगा। अब आपके पास अगर ऐसे अगर 200 300 500 डेटा हो गया तो काफी टाइम कंज्यूम करेगा, काफी इसमें टाइम कंज्यूम करेगा आपको। तो इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए हमारे पास जो सोल्यूशन है और सोल्यूशन ये है कि हम इसका यूज जो करेंगे इसमें थोड़ा सा एक विजुलाइजेशन ट्रिक्स जो है उस विजुलाइजेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसका यूज करेंगे। ओके, तो क्या है विजुलाइजेशन ट्रिक्स, चलिए हम बात करते हैं। तो इस ट्रिक से है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ साइड में हम स्मॉल ओ लिख देंगे, फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे और फिर इसको हम यहाँ से लेफ्ट और अप कर देते हैं। अब मैं फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और इसको सुपर स्किप कर दूंगा, फिर इसके कॉलम को छोटा कर देता हूँ, एकदम छोटा, इसको भी अपने हिसाब से छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं। फिर इन दोनों कॉलम को सेलेक्ट करके राइट क्लिक मैं जाऊंगा बॉर्डर्स पे, फॉर्मेट सेल के बॉर्डर्स पे, बॉर्डर पे आया और यहाँ मैं ओवरऑल बॉर्डर लूंगा, बीच का बॉर्डर लूंगा, ये जो साइड वाला बॉर्डर है इसको नहीं लूंगा और इसकी जो कलर है ये यहाँ से मैं व्हाइट कर, बैकग्राउंड व्हाइट है इसलिए व्हाइट कर, तब पूरी तरह से दिख रहा है ना सर कि 36 डिग्री है, ये 52 डिग्री, 32 डिग्री है, क्या 25 डिग्री है।
तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक ही सेल में है, बट एक सेल में नहीं है, दोनों अलग अलग सेल में है। तो कहने के मतलब किसी तरह से हम विजुलाइजेशन क्रिएट करते हैं ताकि देखने में जो आप चाहते हो ऐसा हो, एक्चुअल हो ना हो, बट देखने में आप जैसा चाहते हो उसी तरह का हो, एक तरह से कहिए कि छलावा, राइट सर। राइट अब इसी में अच्छे और बात है कि मैंने कुछ नंबर्स है हमारे पास, मान लीजिए कि ये नंबर या फिर एक टेक्स्ट ही ले लेते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर टेक्स्ट कहीं से आपने कॉपी किया, मैं कहीं से एक टेक्स्ट लेता हूँ, कोई भी लेता हूँ, हमने इसी यहीं से हमने लिया होगा, ठीक है, और लेने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और फिर इसके ऊपर हम पेस्ट करते हैं, राइट। तो आप पेस्ट देखिए, पेस्ट करते समय देखिए क्या हुआ, आप देखिए मर्ज में डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते, यहाँ डायरेक्ट पेस्ट नहीं कर सकते, मर्ज जब भी मर्ज सेल में आपको पेस्ट करना होगा डबल क्लिक करके पेस्ट करना होगा। अब यहाँ पूरा दिख नहीं रहा इसलिए हम यहाँ पे इसको रैप करेंगे, उसके बाद आप अलाइन जैसे मर्जी तैसे करना है, सेंटर रखना है सेंटर रखिए, लेफ्ट रखना है लेफ्ट रखिए, अलाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबमिशन आपको दिख रहा है, सबमिशन तो ये सबमिशन आपका गलत है, ये गलत है। तो अगर कोई ने आपको फाइल भेजा रिव्यू करने के लिए, आपने देखा और लगा कि नहीं ये वर्ड यहाँ पे गलत है, तो उसको कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो इसका कलर यहाँ से रेड कर दे, जो भी कलर फॉर्मेटिंग लेना है लेके रेड कर दीजिए, उसके बाद राइट क्लिक कर फॉर्मेट सेल पे जाके इसको स्ट्राइक थ्रू कर दीजिए। अब देखने में साफ लग रहा है ना कि गलत है, तो इस क्लियर जो है उसको पता चल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है, जब आप एक नंबर्स की बात करें, अब इस नंबर पे हम स्ट्राइक थ्रू का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्राइक थ्रू का यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा जो कि उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो जैसे अगर पेन पेंसिल से करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से पेंसिल उठाते हैं और यहां से इस तरह से हम कर देते हैं, राइट। लेकिन ये तो जूम का पार्ट था, एक्सेल पे कैसे करेंगे, तो एक्सेल पे हम करने के लिए यूज करेंगे फॉर्मेट सेल, इसमें बॉर्डर, बॉर्डर में हमारे पास यहाँ कलर होता है, हमने कलर यहाँ रेड ले लिया, ठीक है, और एक लेके यहाँ पे इसको कर दिया। अब कलर रेड लेना है ये जरूरी नहीं है, एज ए चॉइस, फिर हम इसको करते हैं, आ गया 63। अब यस सेम चीज यहाँ चाहिए तो हम F4 करेंगे, F4 क्या करता है लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। अब टिक का निशान लगाना हो तो क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्मेट सेल और बॉर्डर में इस बार ग्रीन कलर लेते हैं और इसको लेते हैं, हमने ये दे दिया और ये दे दिया, हो गया ग्रीन कलर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जस्ट विजुलाइज के लिए, इसके बिहाफ पे कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगा सकते आप, फिल्टर मान लीजिए चाहते हो क्रॉस वाले को फिल्टर कर ले या क्रॉस हो तो कुछ और दिखे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मेटिंग जो है जस्ट विजुलाइज के लिए होता है, उस पर कंडीशन वगैरह नहीं लगाया जा सकता। तो मुझे एक्चुअली में ऐसा चाहिए जहां कंडीशन लगा सके। तो इसमें क्या होता है कि आपको कैप्स में ओ लिखना होगा और कैप्स में पी भी लिख सकते हैं, तो इसके ऊपर एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू का, ठीक है, एक फॉन्ट होता है बाइंडिंग टू, बाइंडिंग टू या बेडिंग टू होता है कुछ ऐसे ही होता है, एक बार देखता हूँ, बाइंडिंग है थी। ठीक है, फाइंडिंग टू, हाँ जी, इसमें अगर करते हैं तो इससे क्या होता है, जो क्रॉस है ओ बन जाता है और जो टिक का जो पी है वो सही का निशान है, ओ जो है आपका वो क्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है और पी जो है कैप्स में ये आपका टिक के निशान में कन्वर्ट हो जाता है। सर ओवर पी की जगह पे हम कुछ नहीं और नहीं यूज कर सकते फॉन्ट हैं? सर, फॉन्ट हिंदी फॉन्ट का भी यूज किया आपने, नहीं इंग्लिश में सर। से कौ आता है तो डी से ही कौ आएगा ना, कोई अच्छा, और से तो कौ नहीं आएगा ना, तो मतलब मेजर इसके अंदर और पी ही यूज कर पाएंगे हम? जी। ओ अब इसके भी आप पे आपको फिल्टर लगाना है तो इजीली फिल्टर लगा सकते हैं ओएलपी के ऊपर, क्या
ओ एंड पी के ऊपर इजली आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इससे बात आती है कि जो फॉन्ट है जिसे पार्ट ऑफ विंडो, ये आपका एक्सेल का पार्ट नहीं, कल के डेट में आपके फॉन्ट जो है चेंज हो सकते हैं। मतलब ऐसा हो श्योर, सकता है कि उस वर्जन में आपके पास ये बाइलिंगो का फॉन्ट ही ना हो, राइट। या हो तो आपने ऑन इंस्टॉल कर दिया हो, क्योंकि तो मैंने इसका इस्तेमाल किया था जब मैं ऑफिस 95 यूज करता था। तकरीबन 2003 या 2004 में क्या हुआ कि मुझे एक चेकलिस्ट मिला था, तो हमारे जो बॉस थे कर्नल थे, उन्होंने बोला था कि मुझे इसमें ये टिक का निशान जो मैंने मैनुअली लगाया हुआ है ना, इसको तुम लगा दो, मैं इसकी प्रिंटआउट नहीं चाहिए। मैं कुछ रिमार्क्स थे, रिमार्क्स का जो सही का निशान गलत का निशान उन्होंने लगाया था, और उनको किसी मीटिंग में या किसी फाइल में रिप्रेजेंट करना था, तो उन्होंने दिया मुझे कि इसको कर दो सही। और मैं उस समय कंप्यूटर में विनर था, एक्सेल ही क्या कंप्यूटर में विनर था, 12th पास आउट, जो 12th पढ़ रहा था या पास आउट किया था आई थिंक, तो मुझे कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन क्या है सर, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा क्या है जुगाड़ वाला सिस्टम रखते हैं। तो हमने क्या किया कि कैप्स में जे को रखा, ठीक है, कैप्स में जे को रखा, और इस जे को हमने क्या किया -40, इस पे अलाइनमेंट में जाके इसको -45 की डिग्री पे रोटेट कर दिया, ठीक है, हो गया सर। और क्रॉस के यस लिए तो एक्स पहले से अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, ठीक इसका इस्तेमाल कर दिया। तो ये लग तो उसी तरह से है ना सर, जी। इसमें प्रिंट आउट निकलने के बाद कोई कह नहीं सकता ना कि जे है, यस बोल सकता है कोई जे है, नहीं सर, तो इसका यूज हमने कर दिया। हाँ बट बोले, ये रफली वर्क के लिए ये हमारे यूज हो सकता है ये, बस क्योंकि मैंने जे थोड़ा आपको देखो कहीं ना बताया कहीं। कि किस तरह से आप देखिए, ये चीज मैंने बताने का पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार है। एक जो एक अच्छा एमआईएसपीटी वो होता है कि कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकता है, यस ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको लेटर पैड में कुछ चीजें हैं जो चेंज कर, मान लीजिए कि लेटर पैड का मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, बॉस ने बोला यार इसी लेटर पैड की कॉपी निकाल दे कि नंबर नहीं होना चाहिए, आप लोग सर ये काम तो फोटोशॉप से होगा, मुझे फोटोशॉप थोड़ी, कोई बात नहीं हम उसको एक्सेल पे कर देंगे, ठीक है। हाँ तो कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज ना हो भी पता, लेकिन अभी अलाइनमेंट जो बताया तो क्या इसका इतना ही यूज है, इसका और भी यूज है। चलिए और भी इसी यूज़ है। इसका यूज का हम एक बनाते हैं, छोटा सा एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक अटेंडेंस शीट बनाते हैं, ठीक है ना। हमने एम्प्लॉई कोड दे दिया, नेम और मान लीजिए डेट डाल दिया, तो आज का सितंबर का बना रहा हूँ इसलिए हमने सितंबर का डेट डाला, और फिर इसको ड्रैग कर देता हूँ, ओके। तो सेलेक्ट किया और इसको हमने ड्रैग कर दिया, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 5 डाला, और यहाँ पे हम तो हमने इसको इस तरह से प्रेजेंट कर दिया, कंट्रोल कॉपी पेस्ट कर दिया, और इसको सेलेक्ट करके हम इसमें बॉर्डर लगा देते हैं, नॉर्मल बॉर्डर जो होता है सो। अब मुझे इसको प्रिंट करना है, तो हमने कंट्रोल पी किया, देखा तो मेरे पास क्या है कि 7 सितंबर तक ही आ रहा है, तो मैंने पोर्ट्रेट की जगह पे इसको लैंडस्केप कर दिया, तो लैंडस्केप तो 10 सितंबर तक आ गया।
तो थोड़ा सा क्या किया इसका जो है, हम जो पेपर है लेटर की जगह पे हमने इसको A4 सेलेक्ट कर लिया, और मार्जिन जो है नॉर्मल की जगह पे नैरो कर दिया, कम मार्जिन कर दिया, फिर भी 12 सितंबर तक दिख रहा है। अब पूरा रिपोर्ट जी पूरा को प्रिंट करने के लिए आपको इसकी जो पेज लेआउट में इसकी स्केलिंग है वो 100% से आपको 50% को कन्वर्ट करके देखना होगा। तो 50% छोटा करने के बाद भी देखिए 26 सितंबर तक ही दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा, और इतना छोटा हो गया कि रीड नहीं हो रहा है। फिर वापस 100% करता हूँ इसको, लेकिन जैसे मैं देख पा रहा हूं कि मेरा डेटा बड़ा छोटा है, बड़ा क्या है हेडिंग है ना। तो हमने हेडिंग को लिया और यहाँ होम में अलाइनमेंट में आया और इसको रोटेट कर दिया 90 डिग्री के ऊपर, और फिर इसको सेलेक्ट करके पूरे सीट को सेलेक्ट करके किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक कर दिया तो इसने ऑटो फिट कर दिया। अब देखिए अब प्रिंट करने के बाद ही में बहुत सारे जगह बच रहे हैं ना, और रीड भी हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी अलाइनमेंट नहीं होता तो इस अटेंडेंस शीट को हम एक पेज में प्रिंट कर पाते हैं क्या सिद्धार्थ जी, कर पाते हैं हम? नहीं तो हमने अलाइनमेंट का यूज यहाँ पे कर लिया, तो ऐसे चीजों पे भी इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब तो थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा कि क्या करें जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट के बाद जो अगला आता है हमारा वो रैप टेक्स है। चलिए रैप टेक्स को जानते हैं, और इसमें मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत, राइट, सुजीत कुमार लिखता हूँ, माफ कीजिएगा मैं पूरा नाम लिखता हूँ अपना, सुजीत कुमार, हमने यहाँ पे सुजीत कुमार लिखा। अभी सुजीत कुमार जो हमने लिखा उसमें देख रहे हैं कि अगले इस पे जा रहा है, अगले कॉलम पे जा रहा है, अभी दिख रहा है, जैसे बी कॉलम में कुछ टाइप करेंगे तो नहीं दिखेगा, तो हम लोग क्या करते हैं इसको रैप कर देते हैं। क्या हम क्या करते हैं रैप कर देते हैं यहां से, जब रैप करते हैं तो टूट के नीचे की तरफ आ जाता है। आ गया, लेकिन मैं ये तो टूटा अपने हिसाब से, लेकिन मैं चाहता हूं अपने हिसाब से तोड़ना, तो जहां से आपको नीचे लाना है ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए, जहां से नीचे लाना है ऑल्ट एंटर, ठीक है, ऑल्ट एंटर करते ही और नीचे की तरफ टूट के आ जाएगा। लेकिन ऑल्ट एंटर कीजिए करे या डबल क्लिक करके ऑटो फिट करे, ऑटो फिट करने पे अपना कॉलम बढ़ जाता है और रैप करने पे रो बढ़ जाता है। मैं चाहता हूँ ना मेरा रो बढ़े ना कॉलम बढ़े, जो मेरा रो का साइज है मतलब सेल का साइज है उसी मेरा डेटा फिट हो जाए। कैसे फिट होगा, इसको सिलेक्ट कीजिए अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के अंदर में होता है श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे तो क्या करेगा श्रिंक करके छोटा करके कर देगा। ठीक है, श्रिंक करके छोटा कर देगा। अब जैसे कॉलम को बड़ा करेंगे तो ये अपने आप को बड़ा कर लेगा, छोटा करेंगे तो वापस छोटा कर लेगा, तो बड़ा होता है ओरिजिनल साइज तक का आता है। उसके बाद मर्ज के यहाँ पे है, एक मर्ज सेल कर सकते हैं या मर्ज एंड क्रॉस कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं टाइप यहाँ A1 पे करना चाहता हूँ लेकिन शो करना चाहता हूँ ई पे, जैसे मान लीजिए मैंने न्यू दिल्ली लिखा है, मैं चाहता हूँ शो यहाँ पर, तो यहाँ इंडेन होता है, क्लिक करते जाइए ये आपका वहां पे शो होगा। ठीक है लेकिन इसके आगे किसी भी सेल में टाइप होगा ना तो हट छिप जाएगा, तो इंडेन का यूज करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब बात नो सर। करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग की। तो नंबर फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेल पे ज्यादातर हमारा नंबर ही पे ही वर्क होता है ना सर, डेटा होता है न्यूमेरिकल डेटा ज्यादा होता है ना,
तो ये जैसे जनरल है, इसका मतलब है जैसा मैं टाइप किया हुआ वैसा। जनरल का मतलब ये हुआ कि जैसा हमने टाइप किया वैसा। जनरल के बाद नीचे जब आते हैं तो नीचे आपका होता है नंबर। तो नंबर का मतलब हुआ कि आपका जो नंबर है कैसा हो, डेसिमल प्लेसेस क्या हो, थाउजेंड सेपरेटर हो, निगेटिव में आए तो क्या है, ये चीजें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां आता है करेंसी। करेंसी अपना करेंसी का फॉर्मेट ले लीजिए, करेंसी सिंबल। अकाउंटिंग में भी आपसे करेंसी का सिंबल दे सकते हैं। एक काम और हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहां पे रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाता हूं। रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया और इसको हमने इसको आगे पीछे तक ड्रैग कर दिया, वैल्यू पेस्ट कर देता हूं मैं। अब इसमें कहीं कहीं पे जीरो है तो यहां जीरो मुझे ढूंढना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि अपने आप ये मुझे दिख जाए, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाता हूं और यहां कस्टम फॉर्मेट, सॉरी कस्टम अकाउंटिंग में यहाँ मैं नन कर देता हूँ, करेंसी के सिंबल में नन कर देता हूँ और यहाँ पे जीरो कर देता हूँ। देन ओके, अब देखिए जीरो हमारा डैश हो गया। तो जो डैश हुआ है ये जस्ट विजुअल है, क्या है, विजुअल, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल आपका जीरो ही है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग आपकी ओरिजिनल वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता है, विजुअल को ही चेंज करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद इसमें आगे बढ़े तो इसमें आपका डेट का है कि आप डेट का क्या, कौन सा फॉर्मेट चाहते हैं, कौन सा कंट्री का, कौन सा, यहाँ अलग अलग कंट्री का भी है। जैसे इंग्लिश इंडिया है ना, इंग्लिश यूएसए सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको अलग दिखेगा। यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे अलग इसका फॉर्मेट है। तो हर कंट्री के अलग अलग डेट के फॉर्मेट और टाइम के फॉर्मेट है, वो चूज कर सकते हैं। परसेंटेज आपका परसेंटेज में हो गया, फ्रैक्शन जो है वन, इस तरह से 1.2, 2.3 इस तरह कन्वर्ट करता है। टेक्स्ट कोई भी नन न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट कर दोगे तो जो लिखोगे वही आएगा, उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा और टेक्स्ट की तरह परफॉर्म करेगा। चाहे नॉर्मल भी लिखोगे तो टेक्स्ट का टेक्निक भी रहेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है कस्टम फॉर्मेटिंग, जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है। लेकिन इसको हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लंबा है, तो इसको हम कल आपके साथ करेंगे। फिलहाल जो मैंने फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स आपको दिए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें अच्छे से।